हेलो गाइस, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा गाइस आप सबको पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद जो एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक उनका इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन सडनली अभी पिछले एक हफ्ते से जो एजेंसी सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन कर रही है वो पूरी तरह से एक्टिव है और कंटिन्यू डेली कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को अरेस्ट कर रही है जो कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड है या कुछ ना कुछ उनका कनेक्शन है। अभी एक और बड़ा कनेक्शन सामने आया है और ये कनेक्शन उस टाइम सामने आया जब एजेंसी जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में छानबीन कर रही है उसने अरेस्ट किया सुशांत सिंह राजपूत के ही क्लोज फ्रेंड ऋषिकेश पवार को। ऋषिकेश पवार को जैसा कि आप लोगों को एक न्यूज आई होगी कल जो है उनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद एक ही दो घंटे बाद उसको अरेस्ट करने के दो घंटे बाद ही एजेंसी की टीम ने एनसीबी की जो टीम है उन लोगों ने फिर से दो लोगों को और अरेस्ट किया और ये दो लोगों को अरेस्ट किसके बिना बयान पे किया गया है वो ऋषिकेश पवार के कहने पे किया गया है। गाइस ऋषिकेश पवार ने जो बड़े बड़े नाम बताए हैं उनमें दो ड्रग पेडलर को नाम बताया जो कि मेनली जो कि रिया चक्रवर्ती से जिनका कनेक्शन था, जो कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स ला के देते थे, उन दो ड्रग पेडलर का नाम जो है ऋषिकेश पवार ने बताया। और ऋषिकेश पवार जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में रहता था, सुशांत सिंह राजपूत के प्रोजेक्ट में भी काम करता था, इसलिए उसको बहुत कुछ नॉलेज है रिया चक्रवर्ती से रिलेटेड कि रिया चक्रवर्ती कैसे सुशांत सिंह राजपूत को अपने कंट्रोल में रखती थी और कैसे उसको सुशांत सिंह राजपूत को जो है ड्रग्स दिया करती थी। तो ये सारी चीजें जो है एनसीबी के सामने सुशांत सिंह राजपूत के जो क्लोज फ्रेंड है ऋषिकेश पवार ने बड़ा खुलासा किया है। साथ में उन्होंने दो लोगों को नाम बताया जिसको और एनसीबी की टीम ने दो घंटे के अंदर अंदर जो है अरेस्ट कर लिया। जैसे ही ऋषिकेश पवार को अरेस्ट किया उसके बाद दो ड्रग पेडलर का नाम बताया जिनका मेन कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के साथ में है और रिया चक्रवर्ती जो है ड्रग्स उनसे लेती थी और सुशांत सिंह राजपूत को देती थी, उन दो के दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे जो है पूछताछ चल रही है। अब रिया चक्रवर्ती और उन दोनों का क्या कनेक्शन है वो जल्द ही जो है पब्लिक के सामने आएगा जब एनसीबी की टीम इस पर भी पर्दा उठाएगी। गाइस आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।